धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा पहुंची गया है। लक्ष्मीनारायण रिसोर्ट में धीरेन्द्र शास्त्री नो उतारो है। आज वडोदरा में धीरेन्द्र शास्त्री नो दिव्य दरबार योजाशे। मोटी संख्या में भक्तों दिव्य दरबार में उमटशे। सांजे 7 वागे कार्यक्रम स्थल पर आवशे। तो नवलखी मैदान में पण आ दरबार योजावानो छे। विशाल मंडप साथ भव्य स्टेज पर तैयारी करवामां आवी छे। 80 फूट लांबू और 24 फूट पहोळो स्टेज बनावायु छे। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाय कैटेगरी की सुरक्षा पण आपवामां आवी छे। वाय कैटेगरी की सुरक्षा ने कारण शहर पोलिस नो वधु बंदोबस्त छे। बाबा ना दरबार ने पगले बपोर थी ज गोठवाई जशे चुस्त पोलिस बंदोबस्त। 4 DCP, 8 ACP, 17 PI, 33 PSI, 300 पुलिस कर्मचारी और 200 होमगार्ड्स रहेशे बंदोबस्त में खड़े पगे। दिव्य दरबार ने लई बपोर पछी अकोटा दांडिया बजार रोड वाहन व्यवहार माटे बंद करवामां आवशे। तो संवाददाता रवि अग्रवाल जोड़ाई गया छे। रवि जणावशो आजे सांजे 7 वागे बाबानो दिव्य दरबार योजावानो छे, ते पहला दिवस दरमियान तेमना शुं कार्यक्रम रहेशे? बिल्कुल हार्दिक, बात करवामां आवे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा पहुंची चुक्या छे। नवलखी मैदान में सांजे 7 વાગ્યાથી તેઓ દિવ્ય દરબારના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થઈ જશે અને રાતના 11-11:30 સુધી તેઓ લોકોની વચ્ચે દિવ્ય દરબારને સંબોધિત કરશે, લોકોની જે અરજી છે તેનો સ્વીકાર કરશે। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે સનફાર્મા રોડ પર આવેલું આજે લક્ષ્મીનારાયણ ક્લબ એન્ડ રિસોર્ટ છે, ત્યાં તેમનો ઉતારો આપવામાં આવ્યો છે। આયોજકોની ટીમ તેમની સાથે છે, શહેર ભાજપના પ્રમુખ તેમની સાથે છે, સાથે જ સનાતન સેનાના જે પ્રમુખ છે કે જે સતત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે, તેમના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી રહ્યા છે, તેવા સુરજીતસિંહજી છે આપણી સાથે। તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું કે ખરેખર આજે આખો દિવસનો કાર્યક્રમ શું રહેવાનો છે, પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીનો શું ક્યાં કાર્યક્રમ રહેને વાલા હૈ, આપકો અભી યહાં પે આયે, અભી ક્યા કર રહે બાબા, ઓર ફિર ક્યા કાર્યક્રમ રહેને વાલા? દેખિયે અભી જો હૈ બાબા આયે હૈ, જો હૈ પૂજ્ય બાબા જો હૈ સ્વામી જી જો હૈ વિશ્રામ કર રહે હૈ, કરીબ 1 બજે કે આસપાસ જો હૈ વો યહાં કે કુછ જો લોગ હૈ જો જો કાર્યક્રમ સે જુડે હુએ હૈ, જો યહાં પ્રતિષ્ઠિત લોગ હૈ ઉનકો આશીર્વાદ દેંગે, ફિર શામ કો 6 બજે સે જો હૈ ગુરુજી કા જો હૈ દિવ્ય દરબાર લગેગા। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी हमने देखा कुछ उद्योगपति जो नामी उद्योगपति है शहर के वो मिलने आ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी मिलने आएंगे, कब वो सब मिलने का स्टार्टिंग? देखिए जो भी है शेड्यूल जो है गुरुजी के विश्राम के बाद ही जो है होगा, जो जैसे गुरु जैसे आदेश हुआ है कि 1 बजे के बाद जो है, तो 1 बजे के बाद ही कुछ इस तरह का जो है जो शेड्यूल बनेगा दर्शन देने का जो है। जिस तरह से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो खाना है होटल का नहीं खाएंगे लेकिन कई बाहर से उनके भक्त के वहाँ से आने वाला है, कहाँ से आएगा खाना और किस तरह करने वाले? देखिए जो आयोजक हैं आयोजक के घर से ही खाना आएगा जो है, और जो पूज्य स्वामी जी के जो उनके उनकी टीम के लोग हैं वो बनाते हैं जो है, तो खाना उन्हीं के आयोजक के घर से ही आएगा। एक दूसरी बात ये पूछनी थी कि आज का जो प्रोग्राम है उसके बाद आगे क्या शेड्यूल है, क्या गुजरात में और कोई जगह पर कार्यक्रम है या फिर ये गुजरात का छेला उनका प्रोग्राम है? अभी देखिए जैसा कि आपको पता है कि गुरुजी का कार्यक्रम निरंतर लगा हुआ है था गुजरात में जो है, अभी जो धाम की तरफ से जानकारी है हम लोगों को कि ये लास्ट कार्यक्रम है वडोदरा का, इसके बाद आगे जो शेड्यूल बनता है फिर धाम की तरफ से अगर कुछ ऐसा आता है आदेश होता है कि वडोदरा में कहाँ है या गुजरात में कहाँ है तो आगे मालूम चलेगा आप लोगों को। एक सवाल आखिर आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 दिन का पूरा लगातार गुजरात में दौरा उन्होंने किया, कैसा लगा उनको गुजरात में, कैसा रिस्पॉन्स मिला? ये बढ़िया है गुजरात में जो है, और पूज्य गुरुजी को यहाँ प्रेम करने वाले उनके उनके प्रति जो श्रद्धा है लोगों की बहुत ही ज़्यादा है जो है, और इसी का एक कारण रहा कि गुरुजी का लगातार जो है 3 से 4 दरबार यहाँ पे लगा जो है, लोग जो है सुनने के लिए उनके दर्शन के लिए जो है निरंतर आ ही रहे हैं। आज आपके यहाँ भी वडोदरा में भी उम्मीदें की जा रही है कि 4 से 5 लाख लोग जो है यहाँ पर भी एकत्रित होंगे। बिल्कुल, तो जे रीतना हार्दिक आपणे वात करी जे सनातन सेनाना प्रमुख छे सुरजीत सिंह तेमनी साथे, તેઓ કહી રહ્યા છે કે ખૂબ જ સારો તેમનો પ્રવાસ રહ્યો, આજે છેલ્લો દિવસ છે વડોદરા ગુજરાત પ્રવાસનો તેમનો, અને વડોદરામાં પણ 4 થી 5 લોકો આવશે તેવી આશા જે ટીમ છે આયોજન સમિતિની અને જે પંડિતજીની ટીમ છે તેમને છે। જી,